Showdown continues to escalate over Arvind Kejriwal's arrest. The Delhi Chief Minister's wife, Sunita Kejriwal, has read out Arvind Kejriwal's message. She said that he will present a detailed reply on the so-called Delhi liquor scam in the court tomorrow. Sunita has gone on to say that so far the investigation agency raided 250 times but has not recovered any money. Meanwhile, it's protests versus counter-protests in Delhi city. AAP leaders protested outside the assembly, burning effigies of BJP. AAP continues to allege that the arrest is politically motivated. On the other hand, BJP protested demanding the resignation of the chief minister. Meanwhile, the Delhi High Court is hearing Arvind Kejriwal's plea. Delhi chief minister has alleged in the court that ED had violated his human rights, adding that the agency, has failed to establish his guilt in the case. He's gone on to say that his arrest is politically motivated. ED sought more time from the court to file its own reply. मनीष जी के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, सतीन जैन जी के यहाँ रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। दिस मेगा ड्रामा अनफोल्डिंग इन दिल्ली विधानसभा, इट्स अ फेस ऑफ बिटवीन द बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी एमएलएज एंड द आप एमएलएज आर वेयरिंग मास्क ऑफ अरविंद केजरीवाल with t-shirts of main bhi kejriwal and if you zoom in when mridul will zoom in the camera modi ka sabse bada dar kejriwal these t-shirts are being used by aap mlas on the ground protest versus protest in the national capital you know hangama versus hangama in the national capital on one side the aap mlas raising slogan in favor of arvind kejriwal on the other side the bjp mlas holding placards in their hands seeking resignation of Arvind Kejriwal. जो आम आदमी पार्टी के विधायक है आपको चारों तरफ यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक नजर आ जाएंगे, सभी ने मुखौटा पहना हुआ है, मुखौटा देख लीजिए। ये शिवचरण गोयल है विधायक है, यहाँ पे रोहित मेहरोलिया ये नजर आ रहे हैं, बाकी और विधायक जो है वो भी यहाँ पर मुखौटा पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मकसद यही है कि अरविंद केजरीवाल का समर्थन, और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग आम आदमी पार्टी इस प्रदर्शन के जरिए करना चाहते हैं। सौरभ, क्या मकसद है इस मार्च का? देखिए, ये दिल्ली और पूरे देश में जो तानाशाही भारतीय जनता पार्टी लाई है कि चुनाव के दौरान अलग अलग पार्टियों पर छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, पुतला आ गया यहाँ पर, ये देखिए पुतला लेकर आ गए हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, ये पुतला यहाँ पर लेकर पहुंचे, ये क्या पुतला है? ये क्या पुतला? पुतला है तानाशाही का पुतला, भारतीय जनता पार्टी का पुतला, और इस पुतले को हम जला के आज पूरे देश में मैसेज देना चाहते हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ईडी शाही नहीं चलेगी। सर, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सदन में आज क्या चर्चा होगी? देखिए, चूंकि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने एजेंसियों के द्वारा गिरफ्तार करवाया, उसको लेकर के पूरे दिल्ली में, पूरे देश में और पूरे दुनिया में उसका विरोध हो रहा है। उनकी गिरफ्तारी के बाद आज पहला दिन का सदन है, तो विधायकों के अंदर भी काफी आक्रोश है और उन गिरफ्तारी के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ इस सदन से भी आवाज उठेगी। आज बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है मुख्यमंत्री के। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी का दर्द यह है कि अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर थे तब भी जनता के लिए काम कर रहे थे, अब जेल के अंदर हैं फिर भी काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट से राहत मिलेगी, देखते हैं अभी क्या निर्णय लेता है कोर्ट। क्या आप लोग नारेबाजी के जरिए क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ चुने हुए लोग संसद में सदन में आते हैं, ये देश तानाशाही नहीं चलेगा, तानाशाही देश बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जिस तरह से तानाशाही करके हमारे मुख्यमंत्री को बंद किया, लगातार विधायकों को मार रहा, जनतंत्र में अब ये नहीं चलेगा। पानी और हेल्थ की प्रॉब्लम जो उठी थी उन पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई, ठीक है, वो चर्चा अभी बाकी है। इन बिटवीन केजरीवाल जी का विषय आ गया, उनको रेस्ट कर लिया गया।
ये चर्चा जिस दिन केजरीवाल जी को अरेस्ट किया उससे अगले दिन होनी थी, उस दिन हाउस कॉल किया गया था लेकिन वो हाउस को एडजॉर्न किया गया और जो आज होगा। भारत में जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्शन बॉन्ड का निकल के आ रहा है खुलासा, वो एक बहुत भयंकर चीज है, बड़ा विस्फोट है और संवैधानिक संकट निश्चित रूप से पैदा हो रहा है। तो ये स्पष्ट आप कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे? हाँ बिल्कुल, इस्तीफा नहीं देंगे, ना देना चाहिए ना देंगे। ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി BJP എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് അവര് വല്ലാത്ത മോശത്തരത്തിൽ തടസ്സപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അത് CBI ആയാലോ ED ആയാലോ IT ആയാലോ ഇൻകം ടാക്സോ റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് എല്ലാവരും ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ എതിരെ. കേജ്രിവാളിന്റെ അറസ്റ്റ് ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സിമ്പിളായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷനെയും നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിടാൻ സാധിക്കുന്ന ആരാണ് സേഫ്, ആരാണ് സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ സാധിക്കുക ജനാധിപത്യത്തിൽ? കോയ് ഭ്രഷ്ടാചാർ കരേ ഓർ ഉസ്കെ ബാദ് ഉസ്കെ ഊപ്പർ ജാഞ്ച് നാ ഹോ ദേശീയ പൂച്ഛനാ ചാത്താ ഹൈ യേ വഹി അരവിന്ദ് കേജ്രിവാൽ ഹൈ ജോ നൈതികതാ കി ബാത് കർതേ ഥേ ആജ് അനൈതിക കാര്യോ മേ സൻലിപ്ത ഹൈ ഓർ അനൈതികതാ ഇത്നി ഹൈ കി ആജ് മുഖ്യമന്ത്രി പദ കേ ഹാത്ത് ഐസേ ചിപ്കേ ഹുവേ ഹൈ മേ ഇത്നാ ഹി കഹൂംഗാ അഗർ വോ ഭ്രഷ്ടാചാർ മേ സൻലിപ്ത ഹൈ तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी भ्रष्ट सरकार का स्वास्थ्य मंत्री 1.5 साल जेल में रहकर स्वास्थ्य मंत्रालय वहां से चला रहा हो, जेल मंत्रालय जेल से चला रहा हो, जेल मंत्री खुद जेल में है, और ऐसे उनका उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जेल में है, ऐसे उनका सांसद जेल में, उनके पार्षद जेल में है, और अब शराब घोटाले का किंग पिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने चोरी की है, दिल्ली को लूटा है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी चोरों को बचाने का काम कर रही है, ये बुनियादी फर्क है दोनों में। और हमारी जो लड़ाई है दिल्ली की जनता की लड़ाई है, दिल्ली की जनता को लूटने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब जो चीज़ें एस्टेब्लिश हो रही हैं, हिरासत में एक आदमी जो हिरासत में है उसको मुख्यमंत्री बनाए रखना कहाँ की नैतिकता है? आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए और खुद उन्हें अरविंद केजरीवाल को त्यागपत्र देना चाहिए। आज फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आकर एक नया ड्रामा रचने की कोशिश कर रही थी। ये तो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है ना कि बेचारे हैं हम, तो बेचारा पॉलिटिक्स है जी, ये चलने वाला नहीं है। हम मांग करते हैं सुनीता केजरीवाल जी कि आप इधर उधर की बातें छोड़िए और ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे। ये आप लोग तो कहते थे कि आपके ऊपर आरोप लगे तो इस्तीफा पहले होना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। आज जब खुद पे आया तो आप कह रहे हैं हम कि जेल शासन चलाएंगे, ये चलने वाला नहीं है। अरविंद जी आपको ये बताना होगा कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, और आप जो ये चिट्ठी चिट्ठी का खेल खेल रही है चलने वाला नहीं है। जेल मैनुअल के अनुसार भी केजरीवाल साहब को आधे घंटे से ज्यादा एक सप्ताह में मिलने का, मुलाकात का ज्यादा 2 बार समय देगी, तो आप आधे घंटे में कैसे दिल्ली को चलाएंगे? आपके 9 रत्न क्या कर रहे हैं बेचारे? आपने जब टिकट दिया था ये मेरे 9 रत्न हैं, इनको वोट दीजिए, ये दिल्ली की समस्याओं को देखकर समाधान करेंगे, तो 9 रत्न आपके कीचड़ के रतन हो गए क्या? आप तो कहते थे मैं साधारण आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ। तो आम गरीब आदमी अगर किसी जुर्म के अंदर जेल में जाता है तो उसके लिए भी वही कानून होना चाहिए। आप मुख्यमंत्री रहते हुए क्यों जेल में रहना चाहते हैं?